स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने इंग्लिश बुक का जो चैप्टर थर्ड था वो रीड कर लिया। अब इस चैप्टर की जो पोयम है, क्योंकि हर चैप्टर के पीछे एक पोयम आ रही है, इस चैप्टर के पीछे जो पोयम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी इस कैट का नाम है और मिस्ट्री कैट मतलब रहस्यमय बिल्ली। इस पोयम को हम आज रीड कर रहे हैं। डू यू हैव अ पेट कैट, क्या आपके पास पालतू बिल्ली है? Have you ever noticed anything mysterious about it? कभी आपने इसके बारे में नोटिस किया कि इसमें कुछ मिस्टीरियस चीज़ है या कुछ रहस्यमय चीज़ है? It is not easy to say, ये कहना आसान नहीं है। Whether every cat is a mystery, कि हर कैट जो होती है, हर बिल्ली जो होती है वो रहस्यमयी होती है। But मैकेविटी is one for sure, लेकिन मैकेविटी जो बिल्ली है, कैट है, वो निश्चित ही क्या है, मिस्टीरियस है। What is it that makes him a perfect mystery कैट, और क्या चीज़ है जो उसको एक परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है? रीड द पोयम एंड फाउंड आउट। पोयम को रीड करेंगे और इसको आंसर ढूंढेंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेंजर मैकेविटी और मिस्ट्री कैट, ही कॉल्ड द हिडन पा। मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है उसको हिडन पा के नाम से भी जाना जाता है। फोर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ, वह क्या है, एक मास्टर क्रिमिनल है, मतलब अपराधियों में वो मास्टर है, जो कि जो नियम कानून है उसको भी वो तोड़ सकती है। ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस है उसके लिए वह एक पजल है। बेफलमेंट मतलब पहेली है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, वहाँ जो उड़न दस्ता है उसको भी वो निराश कर देती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वह क्राइम जहाँ होता है उस स्थान पर पहुँचते हैं, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, तो वहाँ पर मैकेविटी जो है वो वहाँ पर नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हु इज़ मैकेविटी, मैकेविटी कौन है, एक मिस्ट्री कैट है। वॉट इज़ द पॉपुलर नेम ऑफ मैकेविटी, मैकेविटी का पॉपुलर नेम क्या है, हिडन पा। वाई इज़ मैकेविटी कंसिडर्ड एज ए मास्टर क्रिमिनल, उसको मास्टर क्रिमिनल क्यों माना गया है, बिकॉज ही डेफीज द लॉ एंड इज़ नेवर कॉट, क्योंकि वह नियमों को तोड़ देती है और पकड़ी भी नहीं जाती है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम स्ट्रेंजर विच मीन्स डिसोबे, डिसोबे का सिमिलर वर्ड देखना है तो वो यहाँ आया है डेफी। सेकेंड स्टेंजा है मैकेविटी, मैकेविटी देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी जैसा या कोई भी नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, उसने मनुष्यों के लिए जो लॉ नियम बनाए गए हैं सभी नियमों को उसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने तो ग्रेविटी का जो नियम है उसको भी तोड़ दिया है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको भी उसने तोड़ दिया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर, और उसकी जो ताकत है, अतः ताकत है, रेविटेशन मतलब अतः जिसको नाप ना सकें, ऐसी जो उसमें ताकत है वुड मेक ए फकीर स्टेयर, इससे एक फकीर है होली व्यक्ति भी उसको घूर कर देखता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और जब आप क्राइम सीन पर पहुंचते हैं तो वहां पर मैकेविटी नहीं होती है, मतलब वो क्राइम कर वहां से गायब हो जाती है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, आप उसको अगर बेसमेंट में ढूंढें जो अंडरग्राउंड स्पेस है वहाँ पर, या आप उसको हवा में ढूंढें। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, आप सब जगह उसको ढूंढ लेंगे लेकिन वो आपको नहीं मिलेगी। इस पोएम के क्वेश्चन देखते हैं स्ट्रेंजर के। व्हाट इज़ देयर एनीवन लाइक मैकेविटी, मैकेविटी जैसा क्या कोई है? नो, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। व्हाट लॉज हैव बीन ब्रोकन बाय मैकेविटी, कौन सा नियम मैकेविटी के द्वारा तोड़ा गया है? Human law as well as the law of gravity. What happen when we reach the scene of crime? हम crime scene पर पहुँचते हैं तो क्या होता है? We do not find mackevity there. हमें वहाँ पर mackevity नहीं मिलती है. Find the word from the stanza which means संत. संत के लिए यहाँ word आया फकीर. Third stanza read करेंगे. Mackevity is a ginger cat. He is very tall and thin. Mackevity है उसका color जो है वो ginger. मतलब अदरक की तरह है उसका color. He is very tall and thin. वह लंबी और पतली है. You would know him if you saw him. या आप उसको जान जाएंगे जब आप उसको देखेंगे. For his eyes are sunken in, क्योंकि उसकी आंखें जो हैं वो अंदर धंसी हुई है. His brow is deeply lined with thought, और उसकी जो भौहें हैं वो उसके नीचे रिंकल बने हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा विचार करती है, मतलब वो कुछ बैठी बैठी विचार कर रही है, इसलिए उसके आंखों के नीचे रिंकल बने हुए हैं. His head is highly domed, और उसका जो सिर है वो गोल घुमा हुआ है, वो सब तरफ देख रही है. His coat is dusty from neglect, और उसका जो कोट है वो भी बहुत ज़्यादा
गंदा धूल से भरा हुआ हो गया है। बिना सम्मान के, मतलब उसने जो काम किया उससे उसको कोई भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ब्ड, और उसके जो बाल हैं, जो जानवरों के फेस पर जो बाल होते हैं मूछें होती है, वो भी अनकॉम्ब्ड है, वो भी बिखरे हुए हैं। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वह अपना सिर साइड से एक साइड से दूसरी साइड में हिलाती रहती है। विद मूवमेंट लाइक ए स्नैक, जैसे कि स्नैक अपना चेहरा इधर उधर घुमाता है, उस तरीके से वो भी अपना चेहरा एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाती रहती है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ ए स्लीप, जब आप सोचते हैं कि वो आधी नींद में सो रही है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वो उसी वक्त जगी हुई होती है, पूरी तरीके से वो जागी हुई होती है। इस स्टेंजा क्वेश्चन देखते हैं, वॉट इज द कलर एंड शेप ऑफ मैकेविटी, कलर और शेप कैसा है मैकेविटी का? कलर तो उसका है जिंजर जैसा और शेप है थिन एंड टॉल। हाउ आर मैकेविटीज आइज, उसकी आइज कैसी आर सनकन इन, गहरी धसी हुई है। हाउ आर द विस्कर्स ऑफ मैकेविटी आर अनकॉम्ब्ड, जो विस्कर्स है मैकेविटी के वो अनकॉम्ब्ड है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा विच मीन्स डिसरिगार्ड, इसके लिए समान शब्द देखना है तो वो है नेकलेक्ट। फोर स्टेंजा देखेंगे, मैकेविटी देर इज नो वन लाइक मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। सो इज फाइंड इन फेलिन शेप, फाइंड मतलब राक्षस, वह बिल्ली, फेलिन मतलब बिल्ली, वो बिल्ली की आकृति में क्या है, एक राक्षस है। ए मोनेस्टर ऑफ डीप प्रायोरिटी, और वह एक मोनेस्टर है भ्रष्टता की, या जो शैतानियाँ है दुष्टता करती है वो, उसकी वो एक मोनेस्टर है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसको गली में वो आपको मिल जाएगी। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आपको किसी वर्गाकार जगह पर भी वो मिल जाएगी। बट वेन ए क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जैसे ही कोई क्राइम खोजा जाता है, डिस्कवर किया जाता है, देन मैक्योरिटी इज नॉट देयर, तो मैक्योरिटी उस वक्त वहाँ से चली जाती है। इस स्टेंजा के क्वेश्चन देख रहे हैं, इज देयर समवन लाइक मैक्योरिटी, क्या मैक्योरिटी जैसा कोई है? देयर इज नो वन लाइक मैक्योरिटी, मैक्योरिटी जैसा कोई भी नहीं है। हु इज़ ए फाइंड इन गूज ऑफ ए कैट, कैट की शेप में वो कौन है, वह क्या है, एक राक्षस है। मैकेविटी इज ए फाइंड इन द गूज ऑफ कैट, वेयर कैन वी सी मैकेविटी, हम उसको कहाँ देख सकते हैं? वी कैन सी हिम इन ए बाई स्ट्रीट एंड और इन द स्क्वायर। अपोजिट वर्ड लिखने हैं एंजल, एंजल का है फैन या मोनेस्टर, हियर का देयर। आपको ये पोएम रीड करनी है, थैंक यू वेरी मच।